से खबर। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 39 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 17 एसडीओ इधर उधर हुए। एक अतिरिक्त कलेक्टर को बदला गया है। 5 एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। 2 एपीओ 3 आरएस अधिकारी एपीओ किए गए हैं। 17 एसडीओ इधर उधर हुए हैं। एक अतिरिक्त कलेक्टर को बदला गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 आरएस अधिकारी एपीओ किए गए हैं। 39 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल। 17 एसडीओ इधर उधर हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या पूरी अपडेट? जी मनीष, कल रात को कार्मिक विभाग की तरफ से ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 39 आरएस अधिकारी पर तबादला किया गया। ये तबादला जो है किस समय किया गया, जो जिला परिषद के चुनाव जो है उसको देखते पहले सरकार की तरफ से बदलाव का निर्णय लिया गया। और ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान के अंदर 39 आरएस अधिकारी जो है हम कह सकते हैं नींव होती है, नीचे की रीढ़ की हड्डी होती है आरएस अधिकारी किसी भी प्रशासन के संभालने के लिए, तो पूरी तरीके से गया है। साथ के साथ 3 जो अफसर है इनको एपीओ भी किया गया है और चुनाव की गाइडलाइन है उसको देखते हुए पूरे तबादले किए हैं। अब राजस्थान के अंदर जो 39 आरएस अधिकारी है जगह जगह हर जिले के अंदर, तो इनको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। मतलब जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और कार्मिक विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किए। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है।